श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान सेकंड ओडीआई मैच जो कि होने वाला है श्रीलंका में। आपको पता है श्रीलंका फेवरेट टीम है और श्रीलंका के ज़्यादा चांस जीते हैं। कुशल मेंडिस बहुत ही शानदार प्लेयर है मगर रीसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और उतना खास परफॉर्मेंस कर भी नहीं पा रहा। और रहमुल्ला गुरबाज ये भी थोड़ा एवरेज ही परफॉर्मेंस है, तो चाहो तो आप ले भी सकते हैं। सदीरा विश्वकर्मा इसको पिक करूँगा क्योंकि टेक्निक प्लेयर है और अच्छी लास्ट मैच में इनिंग खेल गया है 45 रन की। अखिला का बैटिंग ऑर्डर डाउन है, उतना खास रहेगा भी नहीं। ज़्यादा इनको पिक करना है भाई, इनका बहुत ही शानदार प्लेयर है और लेना ही लेना है चले या ना चले। निशंका भाई, निशंका को क्यों लेना है आपको पता है, श्रीलंका के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गया है, 200 रन आज तक श्रीलंका की हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारे थे, इसने 210 रन मारे और टेक्निक प्लेयर है और अच्छा खेलता है। सईदी का बैटिंग ऑर्डर चौथे पाँचवें पर, आप चाहो तो पिक कर सकते हो, फिलहाल मैं अभी पिक नहीं कर रहा। और असलंका है, असलंका चौथे पांचवे पे आएगा, हो सके आज असलंका का 50 से 60 रन का कैमियो आ सकता है, तो हो सके पिक कर सकते हो। रहमत सेकंड बैटिंग में ये शानदार परफॉर्मेंस करता है, फिलहाल लास्ट मैच में फ्लॉप है मगर अच्छा बैट्समैन है। अब इसका फ्रेंड ले लेंगे क्योंकि लास्ट मैच में अच्छी इनिंग खेल के गया है, 88 रन की और अच्छा प्लेयर है। उमर जाई लेना ही लेना है, क्यों लेना है आपको पता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है और लास्ट मैच में 149 रन मार के गया, बहुत शानदार बैटिंग कर गया। वीरेंदु हसरंगा लेना ही लेना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओवर प्लस बैटिंग दोनों देगा। मोहम्मद नाबी लेना ही लेना है, इसका भी सेम है, और ये भी 138 से 136 रन मार के गया और 10 ओवर पूरे डाल के गया। जी नाबी इसको भी लेना ही लेना है क्योंकि ये ओवर भी देगा बैटिंग भी देगा, तो इंपॉर्टेंट है। लियागे बैट्समैन है, छठे सातवें बैटिंग करेगा प्लस एकदम ओवर भी डाल देगा। अब थिक्सोना भी अच्छा गेंदबाज है मगर पिछले मैच में उतना कुछ कर नहीं पाया, हो सके इस मैच में 1 से 2 विकेट ले सकता है। डी मधुशंका इसका तो भाई फॉर्म ही ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे, रीसेंट अच्छा कर रहा था फिर लगातार फ्लॉप हो गया। फरूकी अभी T20 में अच्छा करके आ रहा है मगर ये श्रीलंका की है तो श्रीलंका को खेलने में आसानी हो रही है। तो चमीरा आप चाहो तो पिक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट गेंदबाज है और विकेट टेकर भी है। चमीरा या थिक्सोना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, तो फिलहाल मैं अभी चमीरा को पिक कर रहा हूँ, हो सके थिक्सोना भी ले सकता हूँ। नूर अहमद बहुत ही यंगस्टर स्पिनर है, वो भी बहुत ही बढ़िया डालता है चाइना मैन है, लास्ट मैच में इसकी बड़ी पिटाई हुई है जो देख सकते हो आप। पी मधुसारा शनका भाई ये बहुत ही शानदार बॉलिंग गया, 4 से 3 विकेट लेके गया और बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल रहे, 4 विकेट लेके गया। फयाद मलिक ले लेंगे क्योंकि ये अफगानिस्तान का बहुत ही शानदार पेसर है, इंडिया के खिलाफ भी इसने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। फिलहाल तो भाई और कोई है अपनी टीम देख लेते हैं, और तो फरूकी भी अच्छा गेंदबाज है मगर बोलते हैं ना पिटाई हुई है। कप्तान वाइस मैं आपको बता देता हूँ, कप्तान में आपका निशंका दोबारा है क्योंकि श्रीलंका का मैच है, हो सके आज भी 100 या 50 रन की पारी खेल सकता है। अब इसका फर्नांडो भी बना सकते हो, ये भी अच्छा खेल के गया है। और मोहम्मद नाबी, उमर जाई और नेम हसरंगा, भाई हसरंगा भी आपको पता है 10 ओवर डालेगा, 3 से 4 विकेट लेने के दम रखता है और नीचे आके 30 से 40 रन में मार सकता है। फिलहाल मैं अभी कप्तान उमर जाई बना रहा हूँ और वाइस नाबी, अफगानिस्तान बॉलिंग करती है तो ये मेरे कप्तान वाइस है। फिलहाल अभी मैं आपको टीम दिखा देता हूँ, सदीरा है मेरे पास, ज़ादरान है, निशंका है, अविष्का और मुझे ना थोड़ा असलंका में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि किसको लूँ, हो सके जी नाबी को भी हटा सकता हूँ, फिलहाल मैंने अविष्का लिया। अभी उमर जाई है कप्तान है जो कि हसरंगा है, मोहम्मद नाबी है, जी नेब है, चमीरा है, मधुशंका है, फयाद मलिक है। फिलहाल ये प्रेडिक्शन टीम तैयार है मेरी, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना, मिलते हैं आपको।